हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बहू व्लॉग्स में। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है सभी नॉन वेजिटेरियंस के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनको नॉन वेज खाना तो बहुत पसंद है लेकिन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता एंड हर बार वही सिंपल उसी रेसिपी का चिकन खा खा के आई नो सबके सब बोर हो गए होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ डिफरेंट मेरे स्टाइल का, मेरी रेसिपी से बना हुआ दही चिकन ग्रेवी। एकदम अलग तरीके से, बहुत सिंपल वे में मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और अच्छी डिशेस देखना चाहते हैं, चाहे वो पहाड़ी खाने से रिलेटेड है या फिर कोई वेज या नॉन वेज, जो भी आइटम आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो चलिए हम बनाते हैं आप सबके लिए एक साथ मिलकर दही चिकन ग्रेवी। तो आइए मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है और इसमें मैंने करीबन 20 रुपए की दही से इसको मैरिनेट कर दिया है अच्छे से 15 मिनट के लिए। मैंने इसमें कोई नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं डाला, बस सिंपली मैरिनेट कर दिया। और यहाँ पर मैंने लिया है इसी साइज़ के 5 प्याज, इनको मैंने कट कर लिया है अच्छे से। आप साइज़ देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा बारीक ना ही ज़्यादा मोटा, इस साइज़ का मैंने अनियन कट कर लिया है। और मैं यहाँ पर रेड अनियन यूज़ कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो इसको यूज़ करें। साथ में मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी और कुछ लौंग और काली मिर्च। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले ये ले लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। साथ में कुछ लहसुन की कलियाँ, यहाँ मैं ले रही हूँ हरी मिर्च, 3 बड़े टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया और साथ में मैं ले रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का नींबू। मसालों में यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डी का चिकन मसाला और सुहाना का चिकन ग्रेवी मिक्स, अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है और मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें सरसों का तेल, क्योंकि इससे चिकन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सरसों का तेल ही यूज़ कीजिए अगर आपके पास है तो। और यहाँ तेल गरम हो रहा है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो है ये रतन जोत। ये रतन जोत आपको मसालों में मिलता है, ये पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाता है, ये आपके खाने को एक बहुत ही अच्छा कलर देता है, ठीक है। अगर आपके पास बाय चांस ये नहीं है, आप कश्मीरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, बट इससे आपके खाने को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। अगर मैं एडिशनल यहाँ पर आपको कश्मीरी मिर्च भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले हम तेल गरम करके सबसे पहले रतन जोत को ही उसमें डालेंगे ताकि ये अपना कलर तेल में अच्छे से छोड़ दे। तो तेल गरम हो गया है, अब देखिए अब मैं इसमें रतन जोत डाल रही हूँ और धीरे 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 करके ये अपना जो इसका डार्क रेड कलर है, मरून कलर है, उसको अपने तेल में ये जो है छोड़ देगा। तो धीरे धीरे कलर जो आना है तेल में वो स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो रतन जोत ने कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हमने सब इसमें डाल दिया ताकि इनका टेस्ट तेल में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा इन खड़े मसालों को भून लेंगे क्योंकि इससे इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ मसाले अच्छे से भून रहे हैं, यहाँ देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ।
सो प्याज को हमें अच्छे से जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तब तक हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। सो यहाँ मैं जार में ले रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च और जो हमारे टमाटर थे उसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है। इनको भी मैं इसमें ऐड करके इनकी प्यूरे बना लूँगी। मैं साबुत टमाटर कटे हुए चिकन में नहीं डालूँगी, मैं इसका प्यूरे बनाकर इसमें डालूँगी ताकि ग्रेवी जो है बहुत थिक और बहुत अच्छी बने। सो प्यूरे बनकर रेडी हो गई है इस तरह की, देख सकते हैं आप। और अब हमारे अनियन जो हैं थोड़ा सा कैरमलाइज हो गए हैं, मैं थोड़ा और इनको भूनने देती हूँ। सो प्याज, यहाँ पर मेरे अनियंस जो है अच्छे से भुन गए हैं। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेरी टमाटो, लहसुन और हरी मिर्च की प्यूरे, और इनको भी मैं इसमें डालकर अच्छे से जो है भून लूँगी। इसमें आप थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला जले नहीं, बट मीनवाइल ये जल नहीं रहा है तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप कलर देख सकते हैं, रतन जोत मैंने इसमें डाली थी सिर्फ उससे ही इसका कितना सुंदर कलर आ गया है। आप कश्मीरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, आप कलर देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। सो मसाले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब नमक है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी जो टेबलस्पून होता है, और यहीं पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्ची ऑलरेडी उसमें डाली हुई है, सो इसलिए इतना रेड चिली पाउडर जो है। अब हम ये मसाला जो है हमारी ग्रेवी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में चेक करके मिर्च और नमक की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस अमाउंट में आप इसमें नमक और मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाए, और यहाँ मसाला मैं भून रही हूँ इसको। सो यहाँ पर देखिए मसाला एकदम भून कर रेडी हो चुका है, ऑयल मसाले से अलग हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ। सो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेरा चिकन। अब धीरे धीरे करके हमें इसको ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है बिकॉज दही में और चिकन में ऑलरेडी इतना पानी है, वो बाद में अपना पानी वैसे ही रिलीज़ कर देगा। तो हमें बिना पानी के इसको अच्छे से भून कर कुक करना है। ये नीचे नहीं लगेगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है। सो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर देखिए आप, दिखने में ही कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो बन के खाने के बाद में तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से जो है मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसको। सो मैं 1 चम्मच सुहाना ग्रेवी मिक्स इसमें डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और ये जो चिकन मसाला था मैं इससे भी थोड़ा डाल रही हूँ, करीबन 2 चम्मच के करीबन। अब हम इन मसालों को अच्छे से जो है भून लेंगे। हमने यहाँ पर गरम पाउडर मसाले का नहीं यूज़ किया है बिल्कुल भी। अब इसको हम ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम कुक होने देंगे लो फ्लेम पर। सो 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। आपको चेक करते रहना है, थोड़ा सा मसाला जो है इसमें आप टेस्ट भी कर सकते हैं, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सो यहाँ पर आप कलर देखिए, कलर भी चेंज हो गया है कुक होते होते। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है नमक मिर्च इसमें अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हैं हम, आप भी चेक कर सकते हैं, आपको जितना पसंद हो उतना आप डालें। सो दोबारा ढककर पकाने के बाद मैंने करीबन ये 5 मिनट और बाद मैंने इसको खोला है। सो देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं हाथ से या खाकर। अब हम इसको सर्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ड्राई चिकन को सर्व किया है थोड़ा सैलेड लेमन के साथ, और इसको आप एज ए स्नैक खा सकते हैं। बाकी बचे हुए चिकन में मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा नमक मिर्च और ऐड किया। ये पानी वाला तरी वाला हो गया जो राइस के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है, तो इस तरह से मैंने इसको बनाना। तो थोड़ा धनिया पत्ता डाल के अब ये रेडी है चावल के साथ खाने के लिए। तो दोनों तरह के यहाँ चिकन हो गए, ड्राई वाला भी और ग्रेवी वाला भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।